हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फ्राइड इडली की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। साथ में हम हरी नारियल की चटनी भी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इडली और नारियल की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 किलो बैटर तैयार किया है और चटनी के लिए हमने नारियल, हरी मिर्च और धनिया पत्ता लिया है, क्योंकि हम हरी नारियल की चटनी बनाएंगे। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इडली ट्रे लेंगे और इसे हम ग्रीस कर लेंगे। तो हमें ग्रीस करने के लिए हल्का हल्का तेल लेना है, जैसे कि एक एक मोल्ड में हमें एक एक ड्रॉप तेल डाल देना है और इसे ऐसे कसिंग जैसे घुमा देना है। हमें एक एक चम्मच बैटर लेना है और हर एक मोल्ड में मोल्ड से थोड़ा सा कम बैटर डालना है, क्योंकि फूलने के बाद अपनी मोल्ड भर जाती है। तो आप ध्यान रहे, पूरा मोल्ड कभी मत भरिए, क्योंकि अगर अच्छी सी बैटर बना हो तो इडली अपनी डबल फूल के हो जाती है। तो मैं बनाते बनाते आपको बैटर बनाने की विधि भी बता दूंगी। इडली बैटर बनाने के लिए हमें 2 कटोरी चावल लेना है, 1 कटोरी उड़द दाल लेनी है। दाल और चावल को हमें 8 घंटे पहले भिगो देना है। दाल को अलग पीस लेना है और चावल को अलग पीस लेना है और दोनों को मिक्स करके हमें 6 घंटा के लिए उसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है। तो ध्यान रहे, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर अच्छा हो तो 4 घंटे में भी फॉर्मेट हो जाता है। अगर ठंडी का सीजन हो तो फॉर्मेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद हम ये बैटर तैयार कर लेते हैं और इसका हम मोल्ड में भर के इडली बनाते हैं। तो आपको हमने बैटर बनाने का विधि भी बता दिया। चलिए हम इसे अब गैस की तरफ ले चलते हैं। गैस पे हमने इडली मेकर में पानी उबलने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे हमने पहला मोड़ है वहां तक पानी डाला है। पानी में उबाल आ गया है। अब हम इस ट्रे को शिफ्ट कर देंगे जिसमें हमने इडली का बैटर भर के रखा है। कवर करके इसे हम 15 मिनट तक पका लेंगे और फिर मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी। जब तक अपनी इडली स्टीम हो रही है तब तक हम चटनी बना लेंगे। तो सबसे पहले हम नारियल का पीसेस करके मिक्सर जार में डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे ग्रेटर से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और तीखा आपको जितना पसंद है उतना हरी मिर्च डाल दीजिए। चटनी थोड़ा चटपटी हो तो ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम हरी नारियल की चटनी बना रहे हैं। तो कोरिएंडर लीफ को हमने धो के पानी निकाल लिया है और मिक्सर जार में हम डाल के इसकी एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। हमने नारियल की हरी चटनी बारीक पीस लिया है। अब फाइनली हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पे आपको स्वाद के अनुसार नमक डालना है और 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालने से चटनी की कलर भी बढ़िया आता है और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। चटनी को हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी नारियल और धनिया की चटनी तैयार हुई है। तड़का तैयार करने से पहले अपनी इडली चेक कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए अपनी इडली कितनी अच्छे से फूल चुकी है। तो ये 15 मिनट में परफेक्ट पक जाती है। तो चलिए इसे हम डिमोल्ड कर लेते हैं और तड़के की तैयारी कर लेते हैं। चटनी तैयार है और हमने इडली को डिमोल्ड कर लिया है। तो चलिए इसे हम फटाफट तड़का लगा लेते हैं। इडली का तड़का तैयार करने के लिए हमने गैस पे एक बड़ी साइज की कढ़ाही ले रखी है। कढ़ाही में हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तो यहाँ पे आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, आपको जो तेल पसंद है। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच राई। राई को हमें अच्छे से तड़कने देना है। राई अपनी तड़क चुकी है। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च जिसे हमने बीच से काट रखा है और साथ में हम डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी को हमें अच्छे से तड़कने देना है। जब तक अपना तड़का चटक रहा है तब तक हम इसमें
एक कटोरी में लिए हैं 2 बड़ा चम्मच नींबू का रस, उसमें हम डालेंगे कलर के लिए हल्का सा हल्दी, इतनी को नमकीन होने लायक नमक, ध्यान रहे यहाँ अपना नमक में ध्यान देना है, और थोड़ा खट्टा मीठा लगे इसके लिए हम डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच शक्कर। सभी इंग्रेडिएंट्स को पानी के साथ हम अच्छे से घोल लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ऊपर से और पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं पानी में अपनी हल्दी, नमक, शक्कर, नींबू का रस अच्छे से घुल चुका है। चलिए इसे हम तड़का में डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं अपनी कड़ी पत्ता और मिर्च अच्छे से भून चुकी है, हम इस घोल को इसमें डाल देंगे। तो हमने जैसे बोला था ऊपर से थोड़ा सा हम और पानी डाल लेंगे, तो आपकी इडली की क्वांटिटी जितनी है उतना पानी डालिए। घोल में हमें अच्छे से उबाल आने देना है। जब तक घोल में उबाल आ रहा है तब तक हम इडली के पीसेस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक इडली लेंगे और एक नाइफ की मदद से इसे 2 टुकड़े में कर लेंगे। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो 4 टुकड़े भी कर सकते हैं, पर ये चटनी में डीप करने के लिए अच्छा लगता है। सभी पीसेस हम ऐसे ही कर लेंगे। इडली हमने पीसेस में कर लिया है, चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। अपनी तड़के में भी अच्छी सी उबाल आ गई है। उबाल आना जरूरी है क्योंकि हमने इसमें कच्ची हल्दी डाला था, तो अच्छे से पका होना चाहिए। अब इस तड़के में हम अपनी इडली डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ध्यान रहे स्पैचुला को यहाँ हमें बिल्कुल लाइटली चलाना है, नहीं तो अपनी इडली टूट सकती है। अच्छे से इसमें रस को चूसने देना है। ये बहुत ही टेस्टी इडली तैयार होती है। तो आप देख सकते हैं अपनी इडली कितनी बढ़िया कलरफुल दिख रही है। अब फाइनली हम इसमें डालेंगे फ्रेश हरा धनिया पत्ता और उसके ऊपर से हम डालेंगे ये कोकोनट, यानी कि ग्रेटेड कोकोनट है, इसे हम डालेंगे। इससे स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। और अब हम हाथों से कढ़ाई को पकड़ेंगे और इसे टॉस करते हुए डालेंगे। तो अपनी फ्राई इडली बनके तैयार है, चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। एक प्लेट में हमने चटनी रख लिया है और एक एक इडली हम सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी इडली तैयार होता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट से गार्निशिंग कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया फ्राई इडली बनाना कितना आसान है, वो भी हरी नारियल की चटनी के साथ। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए, आपके फैमिली का, आपके गेस्ट का ये फेवरेट डिश बन जाएगा। अगर आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।